तो दोस्तों हम लोग का पास आ गया हीरो का सुपर स्प्लेंडर, ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत दूर से आया दोस्तों, पहले एक बार हम सर्विस किए थे करीब 5-6 महीना पहले, एयर फिल्टर भी चेंज किए थे। इस बार हम लोग चेन स्पोकेट चेंज कर दीजिए। बहुत दूर से है, करीब 30-40 किलोमीटर दूर से है। सुबह हमको 7 बजे फोन किया था, हम बोले 8 बजे या 8 बजे खुलेंगे, तो थोड़ा बाहर में गया। हम उनको फोन किए तो चेन बदलना होगा, बोले बदल दीजिए। तो BS6 जो सुपर टैंगम खुल दे, हर एक चीज बनाना पड़ेगा। काय दोनों चक्का ग्रीस होगा, एयर फिल्टर खुल के देखते हैं क्या चलने वाला है या नहीं, शायद चलेगा। काहे 5-6 महीना पहले हम लोग बदल दिए थे। अब हैंडल भी आवाज करता है, हैंडल थोड़ा रिपेयर होगा, टाइट होगा। देखें या कपलिंग रबर भी खराब है ना, ये रबर हम लोग रिपेयर कर देंगे, चेन स्पोकेट नया लगेगा। और इंजन ऑयल भी डालेंगे, अभी कौन सा इंजन ऑयल डाले थे तो हम लोग को याद नहीं है, तो उनको पूछेंगे, नहीं तो हम वीडियो निकाल के वीडियो देखेंगे। वीडियो बना हुआ है 5-6 महीना पहले का। तो करीब दोस्तों अभी 9:15 होता है, ठीक है ना, करीब 2 से 2.5 घंटा लगेगा, 12 बजे तक कंप्लीट, 11:30 या 12 बजे कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का चेन स्पोकेट भी है, BS6 ग्लैमर सुपर वो सेम, ठीक है ना, हम लोग का पास है, तो हम लोग फिटिंग कर देंगे। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्या इस चैनल में हर एक बाइक का रिलेटेड मिल जाएगा जैसा रिपेयर हो। तो ये गाड़ी आया हम लोग का पास, हीरो होंडा ESS, ठीक है ना। देखिए इसका भी थोड़ा बहुत काम, इधर से इंजन ऑयल लीकेज करता है, पिस्टन फट जाता है, तो इनको बोले टाइम लगेगा 2 घंटा का। हम लोग का पहले ही गाड़ी का काम करना है, कहीं बाहर से आया तो फटर से खुलते और वॉश करते, फिर चेन स्पोकेट नया लगाते और सर्विस करना शुरू कर देते।